टीम इंडिया ने 2024 का T20 वर्ल्ड कप जीत लिया है। भारतीय टीम की इस उपलब्धि पर पूरे देश में जश्न का माहौल है। सब टीम इंडिया को जीत की बधाई दे रहे हैं। पीएम मोदी ने भी फोन कर टीम इंडिया को बधाई दी। मोदी ने विश्व विजेता टीम को बधाई देने के साथ साथ 6 खिलाड़ियों को स्पेशल थैंक्स कहा। इस दौरान पीएम मोदी ने कप्तान रोहित शर्मा, विराट कोहली, हार्दिक पांड्या, सूर्य कुमार यादव, जसप्रीत बुमराह और कोच राहुल द्रविड़ को फोन लगाया और उन्हें जीत की खास बधाई दी। पीएम मोदी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर इस बारे में जानकारी भी दी। इसके बाद उन्होंने विराट कोहली, रोहित शर्मा और राहुल द्रविड़ से हुई बातचीत के बारे में बताया। पीएम मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में भारतीय टीम के कप्तान रोहित शर्मा से हुई बातचीत के बाद लिखा, प्रिय रोहित, आप उत्कृष्टता के प्रतीक हैं। आपका आक्रामक अंदाज, बल्लेबाजी और कप्तानी ने भारतीय टीम को एक नया आयाम दिया है। आपका T20 करियर हमेशा याद रखा जाएगा। आज सुबह आपसे बात करके खुशी हुई। वहीं पीएम मोदी ने विराट कोहली से बातचीत की एक फोटो भी शेयर की। इसके साथ ही उन्होंने लिखा, प्रिय कोहली, आपसे बात करके खुशी हुई। फाइनल की पारी की तरह आपने भारतीय बल्लेबाजी को शानदार तरीके से संभाला। आपने खेल के सभी प्रारूपों में शानदार प्रदर्शन किया। T20 क्रिकेट को आपकी कमी खलेगी, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि आप नई पीढ़ी के खिलाड़ियों को प्रेरित करना जारी रखेंगे। इसके साथ ही टीम इंडिया के कोच राहुल द्रविड़ से हुई बातचीत के बाद उनकी तारीफ करते हुए पीएम मोदी ने एक पोस्ट में लिखा, राहुल द्रविड़ की अविश्वसनीय कोचिंग यात्रा ने भारतीय क्रिकेट की सफलता को आकार दिया है। उनकी अटूट लगन, रणनीतिक अंतर्दृष्टि और सही प्रतिभा को निखारने की वजह से टीम में बदलाव आया। भारत उनके योगदान और पीढ़ियों को प्रेरित करने के लिए उनका आभारी है। हमें उन्हें विश्व कप उठाते हुए देखकर खुशी हुई, उन्हें बधाई देकर खुशी हुई। इससे पहले पीएम मोदी ने एक वीडियो जारी कर भी टीम इंडिया को शानदार जीत पर बधाई दी थी। उन्होंने इस जीत को बड़ी उपलब्धि बताया था। इस भव्य विजय के लिए सभी देशवासियों की तरफ से बहुत बहुत बधाई। आज 140 करोड़ देशवासी आपके इस शानदार प्रदर्शन के लिए गर्व अनुभव कर रहे हैं। खेल के मैदान में आपने वर्ल्ड कप जीता, लेकिन हिंदुस्तान के हर गांव, गली, मोहल्ले में आपने कोटि कोटि देशवासियों का दिल जीत लिया। और ये टूर्नामेंट एक विशेष कारण से भी याद रखी जाएगी। इतने सारे देश, इतनी सारी टीमें और एक भी मैच हारना नहीं, ये छोटी उपलब्धि नहीं है। आपने क्रिकेट जगत के हर महारथी, उनके हर बॉल को खेला और आपने शानदार विजय प्राप्त करते रहे। एक के बाद एक विजय की इस परंपरा ने आपके हौसले को तो बुलंद कर दिया, लेकिन इस पूरी टूर्नामेंट को भी रसप्रद बना दिया, रोचक बना दिया। आपने शानदार विजय प्राप्त की है। मेरी तरफ से मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं, बहुत बहुत शुभकामनाएं। बता दें कि T20 वर्ल्ड कप के फाइनल मुकाबले में भारतीय टीम ने साउथ अफ्रीकी टीम को रोमांचक मुकाबले में 7 रनों से हरा दिया है। ये मुकाबला बारबाडोस में खेला गया था। रोहित शर्मा एंड कंपनी 11 साल बाद ICC ट्रॉफी घर लेकर आई है और 2011 के बाद भारत की ये पहली विश्व कप जीत है। टाइम्स नाउ ऑफ भारत डिजिटल की रिपोर्ट।